हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत। मैं आपको बता दूं, टीवीएस राइडर के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके जो लुक है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन बनाए गए हैं। इस वजह से दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है और 2023 में ये काफ़ी अच्छी बिक्री करने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको इसमें आपको डाउन पेमेंट के बारे में बताऊंगा, कम से कम आप डाउन पेमेंट करके भी इसे ले सकते हैं, और इसके प्राइस के भी बारे में बताऊंगा फीचर्स के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें आप कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं 22,000 की, जो कि सही बात है दोस्तों। आप 22,000 डाउन पेमेंट करके भी इसे ले सकते हैं, जो कि आपका लोन अमाउंट बनेगा 78,344 रुपये का। अगर आप 36 मंथ का कराते हैं तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट लगने वाला है 11.25% का, जो टोटल अमाउंट बनकर आएगा दोस्तों 1,27,172 रुपये में। और जो जो पर मंथ का जो आपका ईएमआई आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 2,911 रुपये पर मंथ। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, कि पहले भी बताया हूं कि आप जितना ही ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतना ही आपका ईएमआई कम लगेगा। इसमें आपको एक ब्लैक, एक रेड, और दोस्तों इसमें आपको चार कलर देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में चारों कलर, जो कि जिससे जो पसंद है वो ले सकता है। मैं आपको चलिए इसके फीचर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। उससे पहले आप इसकी प्राइस के बारे में जान लेंगे तो सही रहेगा। मैं आपको बता दूं, एक शोरूम प्राइस इसमें आपको 85,973 रुपये देखने को मिल जाता है। आरटीओ की बात करें तो इसमें आपको 7,444 रुपये। स्मार्ट कार्ड की चार्ज करें तो इसमें आपको 200 रुपये देखने को मिल जाता है। इंश्योरेंस की बात करें तो 6,304 रुपये, जो कि 1,000 रुपये इंश्योरेंस का बड़ा है दोस्तों। पहले 5,000 था, अब 6,000 हुआ है। और स्टैंडर्ड एक्सेसरीज की बात करें तो आपको 799 रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,07,020 रुपये देखने को मिल सकता है आपको ऑन रोड प्राइस। इसमें आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। ड्रम ब्रेक आपको 1,07,020 रुपये, और डिस्क ब्रेक के साथ लेंगे तो 1,08,952 रुपये, और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ लेंगे तो आपको 1,15,338 रुपये देखने को मिल जाएगा। और इसका जो मीटर दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसका मीटर देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके माइलेज की, इसमें आपको 57 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें सीट हाइट की, तो इसमें आपको 780 mm सीट हाइट देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें इसके वेट की, तो इसमें आपको 123 केजी इसका वेट देखने को मिल जाता है। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।